नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद के समक्ष दिया धरना। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। कर्मचारियों की चेतावनी, मांगे नहीं मानी गई तो हड़ताल हो सकती है अनिश्चितकालीन। पल पल शीर्षक से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। सरकार पर वादा खिलाफी व धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए आज नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रखी। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते आज शहर में सफाई व्यवस्था मानो चरमरा गई हो। सुबह से शहर के बाजारों में गंदगी के ढेर देखने को मिले। कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर हैं। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनके साथ वादा खिलाफी कर रही है। पहले दिन हमारी हड़ताल कामयाब रही और आज दूसरा दिन जारी है। ये हड़ताल कल तक चलेगी। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो कल राज्य कार्यकारिणी बड़ा फैसला ले सकती है। इसके बाद ये हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और ठेका प्रथा समाप्त करना भी, पुरानी पेंशन को बहाल करना उनकी प्रमुख मांगे हैं। सरकार ने पिछली बार हुई हड़ताल के बाद में इन मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी और धोखा किया है। अब देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। हमारी जो हड़ताल जो सब दिन प्रवेश कर चुकी है और जो हमारे 3 दिन की हड़ताल है, राज्य हमारी कल उस तक में मीटिंग रखी गई है। जो भी हमारे हरियाणा प्रदेश के लीडर है, जो भी कॉल आएगी उसको हम फूल चढ़ाएंगे और आगे यह प्रोग्राम जो हमारे के बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। हड़ताल की गई है, इसके क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे एक तो हमारे कच्चों को पक्का करना और एक हमारे 100-100 से प्लाट और जो भी हमारा जो पिछले ही साल हमारा समझौता हुआ था वो हमारा केवल समझौता है। उसके बाद सरकार हमारे साथ धोखा कर गई। आम भर कर 2017 और 24 मई 2018 4 अक्टूबर को हमारा मेज पर बैठ के जो हमारी मांगे थी, पीछे जो 16 दिन का आंदोलन चला था हमारा, उसमें एक मेज पर हमारा समझौता हुआ था 18 मांगों पर और उस मांगों को कुछ मांगों को हमारा लागू कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी हमारी 2-3 मीटिंगें हुई, लेकिन इस सरकार ने उसको लागू नहीं किया। उसका इन्होंने यू टर्न ले लिया। जब हमने देखा भी ये देने वाले कुछ नहीं है, तो अब जब आखिरी पड़ाव में सरकार है तो हमारे को ये आंदोलन की घोषणा करनी पड़ी। क्या मुख्य मांग? मुख्य मांग ये थी कि एक तो नगर पालिका से जो ठेके प्रथा है खत्म की जाए, चाहे फायर ब्रिगेड की है वो भी ठेके प्रथा खत्म की जाए, इनको विभाग के मस्टोल पर किया जाए, जो खाली पद पड़े हैं उनको समोजित करके समान काम समान वेतन देने की कृपा करें। और जो हमारे और भी मांगे थी उसमें 1-2 मांगे लागू करी है, मेन मांगे जो थी वो लागू नहीं की है। और एक हमारा न्यू पेंशन स्कीम का विरोध था भी जो पुरानी पेंशन वो बहाल की जाए, न्यू पेंशन जो है वो बंद की जाए। न्यू पेंशन जो है कर्मचारी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। मांग है भी जे हमारे जो सीवर मैन है जो जान दे देते हैं उसके ऊपर भी आज तक कोई रिस्क बता नहीं है, ना उनके बच्चों को कुछ दिया गया। हमारे सफाई कर्मचारी है जिनकी डेथ रेशो सबसे ज़्यादा है, एसग्रेसिया पीछे चलाया वो भी अधूरा चल रहा है, लेकिन एसग्रेसिया भी पूर्णता नहीं चल रहा। इसलिए हमारी जो मांगे हैं एसग्रेसिया की थी, पेंशन की थी, कच्चे को पक्का करना, ठेके पर बंद करनी, इसको ना लागू करने के कारण हमारे ये आंदोलन किया जाए। अगर ये मांगे हमारी नहीं मानी गई तो हम ये तीखा आंदोलन करेंगे और राज्यव्यापी जो भी हड़ताल आगे आएगी उसका हम समर्थन करेंगे और उसी साथ उसको बढ़ाएंगे